बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बोलो। हो गई चार भाभी। हाँ चार भाभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ना कल नहीं परसों लाए थे और गांव का, यानी गांव में अधिकतर मिलता है, पर यहाँ पर बहुत खोजने के बाद ये मिला। और इधर तो बहुत ज्यादा ठंडी है, इसलिए हम ले लिए। और अब सही है, अब कान में ठंडा नहीं लग रहा है, नहीं तो पहले बहुत ठंडा लग रहा था कान में। और हमारी किंजल सो के उठी और दुकान गई, अभी अभी आई हूँ दुकान से। और इसका ये चीज देखी, एक ये है और एक ये। किंजल दिखा दे, दिखा दे, ये देखो इसका घर का डिजाइन है इसमें, दिखा दे ना। नहीं लूंगी मैं, दिखा दो। नहीं दिखा रही है, इसके अंदर शायद कुछ खाने वाला है। दिखा किंजल, दिखा क्या है उसमें। नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। बाय बाय कर दो, नहीं दूंगी तो आप दुकान भी नहीं ले जाऊंगी, ठीक है ना? नहीं ले जाऊंगी दुकान, नहीं लूंगी। एक बार बस दिखा दे, ये देखो करो, कर दो बाय बाय। अभी खा लो उसको, रुको। घर का डिजाइन देखो फ्रेंड्स, और इसके अंदर देखो क्या है खाने वाली। लो ना, मैं नहीं लूंगी, नहीं खाऊंगी, तू खा, खा तू। पांच का दिया ये। और इधर हमारा खाना बन रहा है, और इतना जल्दी किसके किस किस को खाना बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे तो काम करने वाला आदमी तो खाना तो बनेगा ही। और ये दूध है, इसमें अभी चाय पत्ती के लिए सब नहीं डाले हैं, पहले ये उबल जाएगा, इसके बाद इसमें चीनी चाय पत्ती डालेंगे और चाय बनाऊंगी। और पहले तब तक हम आटा लगा लेते हैं फटाफट। तो जा रही हूँ छत पे गेहूं को सुखाने के लिए, और अभी धूप भी निकल गया है और टाइम हो गया 11:30। अभी तक ब्रश भी नहीं किए हैं, ये सो नहीं रही है, ये परेशान कर रही है इसलिए। तो चलो जा रहे हैं छत पे, हम आ गए हैं छत पे, और चलो फटाफट पहले गेहूं को पसार देते हैं। और धूप भी बहुत ज्यादा है, और फिर पिसवाना भी पड़ेगा आज ही आटा, क्योंकि खत्म है। आप लोग देखो, ये मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि किंजल ना परेशान कर देती है, इसलिए ना थोड़ा हो जाएगा। बोरा में है गेहूं, बस इतना ही बचा है, और पिसा लिए हैं, जो कि आटा आप लोग को दिखा दिया है, खत्म हो गया था। तो इतना ही गेहूं है, बन कितना होगा, 8-10 किलो होगा, 8 किलो होगा लगभग। नहीं, पहले जो सुखाए थे ना और पिसवाए थे, उसमें चोकर बहुत निकल गया था, क्योंकि धूप नहीं लगाए थे इसलिए। तो इसलिए सोचे जो इस बार धूप लगा देते हैं, बस चटाई भर देना। अरे बाबू वो हटा दो, किंजल तू साइड हो जा। और आज से हमारी किंजल ब्लॉग बनाएगी नए टेरापोट से। इसको हम बोले जो किंजल तू ब्लॉग बनाएगी, तो ये बोल रही है हाँ, और कैमरा के सामने नहीं बोलती है। किंजल गेहूँ सिखाएगी, किंजल भी आ गई है छत पे गेहूँ सुखाने के लिए। किंजल नए वाले टेरापोट से तू ब्लॉग बनाएगी ना? हाँ, तो किंजल का ये ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग है ना। टाइटल और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में लगा देंगे किंजल का फर्स्ट ब्लॉग, माय फर्स्ट ब्लॉग है ना। हाँ देखो, ये भी बोल रही है हाँ। और अभी धूप है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं अपने, लेकिन हमको अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको ना दुपट्टा से ढक देते हैं, ताकि कबूतर सकते हैं, तो इसलिए इसको ढक दिए हैं। और इसके ऊपर ईटा सब डाल देते हैं, और इधर तो एक दुपट्टा और लाना पड़ेगा, नहीं है तेरे को। तो इधर देखो फ्रेंड्स, कबूतर के चक्कर में क्या क्या करना पड़ा गेहूं को, और पता नहीं बच पाएगा कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा कबूतर है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, और एक बाल्टीन कपड़ा धोना पड़ेगा,
और अभी तक तो ब्रश किए नहीं है, तो चलिए चल रहे हैं नीचे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं छत पे, और गेहूं जो डाले थे सूखने के लिए तो उसी को आ गए हैं उठाने के लिए, और उसको ना अभी फटकेंगे, और किस चीज से फटेंगे वो भी आप लोग को दिखा देते हैं बिहारी स्टाइल में। इधर हमारी किंजल, और इधर हमारी पूरे सब धूप लगा रहे हैं अपना अपना। और इसको पहचानते हो आप लोग इसको, ये क्या है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और लास्ट में बता देंगे कि ये क्या है है ना। तो चलो गेहूं फटकते हैं बिहारी स्टाइल में, है ना। तब तक छत का नजारा देख लो, और अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, 4 बज गया है, और धूप लेकिन मस्त है आज। और इधर है NSP, आप लोगों को हम दिखाए थे NSP, इधर है ब्लॉग भी बनाई हूँ NSP का। फ्रेंड्स गेहूं को पूरा इकट्ठा कर दिए हैं, और इसको अभी साफ करेंगे, फटक के दिखाते हैं आप लोग को। किंजल, किंजल आज तू ब्लॉग नहीं बनाई ना, हैं? तू बोली थी ना कि हम बनाएंगे ब्लॉग, नहीं बनाई आज? थोड़ा थोड़ा बनाई है, बंद कर दो ना। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और अभी धूप भी हाई धूप पर जा रही हूँ नीचे। ठंडी लग रही है, धूप में भी ठंडी लग रही है, हमको तो गर्मी लग रहा है, जैकेट पहन रखी हूँ। सो और ये सब भाभी है, तीन भाभी हो गई, 4 भाभी, हाँ 4 भाभी हो गई, एक मेरी अपनी वाली संजना भाभी, एक प्रिया भाभी, एक रानी, एक नेहा हो गया। नेहा पागल है, पागल। देखो फ्रेंड्स ये मकान है, और अभी टूट रहा है, पुराना हो गया था पर नया बन गया साइड। किंजल देख रही है फ्रेंड्स गली, बस एक आदमी जा सकते हो और एक आदमी निकल सकते हो, बहुत छोटा गली है। जा रही हूँ गेहूँ पिसवाने, हम यही आए हैं गेहूँ पिसवाने के लिए। किंजल पैसा दिखा रही है, इधर मिल है, हम जा रही हूँ गाँव पैसा लगाने। कहाँ जा रही है पैसा लगाने? गाँव दादी के पास पैसा भेजना है ना, हाँ भेजना है। और गेहूं पिसा गया है, और जो मेरे साथ में एक लड़की आई थी उसी को दे दिए हैं, और वो रूम पे लेके चली गई है ना। तो सुबह से लेकर और शाम तक तो काम ही काम था। और किंजल को देखो, मेरे वाला कान वाला बांध लिया, कनिया लग रही है, अच्छा लग रहा है मेरी किंजल। और ये मेरे स्वेटर, और आज बुध बाजार का मार्केट था तो आज लाई हूँ, और अभिषेक के लिए भी लाई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और इधर हमारा खाना बन रहा है, अभी बना नहीं है, चावल बन गया है, बस सब्जी बनेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। किंजल बाय बाय कर दो, नहीं करेगी, कर दो बाय बाय, तो गुड नाइट बोल दो, बोलो गुड नाइट, तो बाय बाय करो, नहीं करेगी अभी बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स गुड नाइट।